पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है वो, और तुम्हें पता है उनके हस्बैंड भी बहुत बड़े आर्टिस्ट है, फिल्म एक्ट्रेस है वो, पूछो कौन आए, कौन अभी देख लेना प्लीज मैम आइए। साहिबा जी आपकी फिल्मों में मैंने बड़ी फिल्में देखी आपकी जी, वो भी गाने इसके बैठे मैं ये तीली चाचू। क्या कोई चीज तंग कर रही है आपको? ये हमारे भाई है जी, अफ्रीका से आए हैं जी। आप ही के भाई हैं? हाँ जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी। बेटे आप साथ हो जो, मुझे तो लगता है कि ये रजाई है कुछ। हेलो जी, मुझे जान कहते हैं, मैं आज ही आया हूँ, अफ्रीका से आया हूँ, और ये मेरा घर है, मेरे चाचू हैं ये पाकिस्तान की सुपरस्टार है, आपको पता है कौन ये साहिबा जी? बढ़िया फिल्मा की है, रैम्बो साहिबा नहीं आपने सुना? हाँ हाँ हाँ, मैंने वहाँ फिल्में देखी हैं। हाँ, ये वही है, ये आज बड़ी बात हमारे घर में आई। आपको जान कहते हैं जी? मुझे जान कहते हैं। मुझे जाने रैम्बो कहते हैं। वैसे आपको जान कहते हैं? जान कहते हैं। कौन कहते हैं? जान के कहते हैं। जान जान के कहते हैं, जान बूझ के कहते होंगे आप। तो आप कैसे हैं? ये खैरियत है ना, आप बड़ा गुस्से में मुंह मतलब बना हुआ। बस औरतों के साथ आजकल जो जुल्म हो रहा है, मैं वो लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मसाइल का हल निकाला जाता है। हाँ, वो हमने ऑफिस खोला हुआ है, और वो चाचू बताएं जरा आप इन्हें। ऑफिस खोलना था, खुद ही खुल गए। एक्चुअली बेटा वो हमने तो ये ऑफिस खोला हुआ, आगा जी होते हैं मेरे बड़े भाई, तो वो तो इस वक्त नहीं है। आगा साहब किधर हैं? वो अभी जरा बाहर गए, आ जाएंगे थोड़ी देर। तो फिर मैं अपनी शिकायत किसको सुनाऊं? देखिए आप किसी को भी सुना सकते हैं। इनको सुना दे, मुझे सुना दे, इनके अंदर जितनी मर्जी शिकायतें रिकॉर्ड करवा दे, ये किसी को नहीं बताते। तो ये सारी शिकायतें ही हैं इतनी ज्यादा? हाँ जी हाँ जी, ये अंदर फाइलों का ढेर लगा हुआ है। किसी को भी बता दे, किसी ने कॉल थोड़ी करी। वैसे भी ये हमारे भाईजान है जो उधर से आए हैं अफ्रीका से, ये भी एनजीओ चलाने के लिए हमारे साथ आए, हमारे साथ आपके भाईजान। हाँ जी हाँ जी, आप क्यों शक में पड़ रही है? नहीं वैसे ही, बस मैं औरतों के मसाइल लेकर आई हूँ। आजकल आजकल जो है ना, खावंद बहुत तंग कर रहे हैं, जुल्म हो रहा है बीवियों पे, जुल्म हो रहा है, और मेरे साथ भी यही हो रहा है। अब रैम्बो साहब मुझे इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती कि वो मेरे साथ ऐसे भी कर सकते थे। रैम्बो? हाँ। अच्छा, वो आपके बड़ा होता खटा पाउंड वाली डोयर का मुंह यार, वो उसने तो आपके साथ बड़ी मेहनत के साथ शादी की थी। हाँ। आप देखें, लोग यहाँ से तरक्की करने हिट होने के लिए इस्लामाबाद जाते हैं। हाँ। जितने भी सियासी लोग हैं। हाँ। वो वाहद बंदा जो इस्लामाबाद हिट होकर लाहौर कमाई करना आया। लेकिन आपने मुझे ये बताएं, आपने उसमें देखा क्या था? बस मैं यही सोच रही हूं, ऐसा बंदा लगता लंडे चो ले आया हो, खुद ही समझ नहीं, 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 यार नहीं यार, वो बंदा बिल्कुल ठीक नहीं है। बड़ा अच्छा आदमी है, आप तो आए अफ्रीका से, वो बड़ा चवल था बंदा, मैंने देखा उसका भाई। मैं उससे मिला हूँ यार, ऐसा नहीं, एक दफा शो करने आया था। हाँ, वो अफ्रीका जाता रहता है, उसे भी बांद्रा नाल यसु पंजू खेल रहा, तुम्हारे साथ भी खेलता रहा। हाँ, मेरे आप मेरी तरफ है या रैम्बो की तरफ है? नहीं, आप देखो, वो मुझे, मैं उसे मिला हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी है। नहीं, आपको पता ही नहीं उनके घटियापन का। ये बात है, बिल्कुल सही है। कितना तंग करते हैं बच्चों को, पता है क्या? हाँ। कहते हैं बच्चे मेरे, कहते हैं कि छुट्टियों में अमेरिका जाने। हाँ। तो वो हवेलियां लेकर चले गए। इतना कंजूस है बच्चे, अंदर इस्तेमाल शुदा पैंपर तो होके कहना फेल आओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है ना, ज्यादती की बात है। आप मेरा मसला भी तो देखे ना। हाँ। अब ईद पे मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए की शॉपिंग कराई है। सिर्फ 1 लाख की? और शुक्र करो, लाख रुपए की, और रैम्बो ने 1 लाख रुपए की शॉपिंग करा दी। हाँ। आप शुक्र करें, वो तो बेचारा टोटल प्रॉपर्टी एक वाइपर सी। लेकिन वाइपर देखे ना, क्या काम क्या दिखा दिया उसने, देखो ना सारा मतलब। जितनी आप शिकायतें, जितनी आप शिकायतें लगा रही हैं, इतना वो बंदा मैं मिला हुआ हूँ यार। नहीं, नहीं, आप उसे जानते नहीं, जो उसके दिल में है ना, वो
बहुत बुरा बंदा है वैसे, इतना अच्छा नहीं है। अच्छा मैंने भी देखा एक दो, तो बहुत बदतमीज आदमी, एक माई हाथ रोटी रख के खानी थलो इंज करता। शुक्र वो शुक्र करेंगे साहिबा जी आपने उसके साथ शादी कर ली, वरना वो जो बंदे दादा साहब जुतियां दे टोकन लाउंदे ही मान। यार इतना भी बुरा हीरो है यार, आपका हीरो है वो यार। नहीं हीरो तो हमारा है, 100-150 फिल्म की है उसने। ज्यादती कर रहे हैं औरतों के हकूक के लिए हमने ये दफ्तर खोला हुआ है, वो ज्यादती करेगा तो क्या हीरो होगा? तो आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? आपको खुद लगता है कि कहीं मजार में जूतियां लगाते रहे? रैम्बो थोड़े ना ठीक करता। नहीं नहीं आप मुझे बताएं ना कि चंगा सी पिंडी खुले पहुंचे पाके पहाड़ा दे फिरता हुंदा सी। पिंडी कौन से पहाड़ है? पिंडी की नहीं पहाड़ी ना, पिंडी की कौन सा पहाड़ है? ग्राउंड च बने ना पिंडी। मेहमान आए हमारे घर पे ना, चाय पानी नहीं कोई पूछ रहा। लो जी मैं चाय लेकर आता हूँ। आप केक रस पकड़े ये। सख्त केक रस। अच्छा वैसे मैंने, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता होगा। क्या रैम्बो के बारे में? मैं तो बड़ा शरीफ नहीं, आदमी नहीं, ये ऐसा वो आदमी नहीं है, लेकिन ये होता है। हाँ। कि आजकल के खामन जो है वो बीवियों के साथ, देहातों में ये होता है कि हाँ। वो बीवी जल गई, खामन कभी क्यों नहीं जला? हाँ। या बहन कभी क्यों नहीं जली? चूल्हे को नहीं ना बहनते। चलो ठहरो, आप तो अफ्रीका तो आए। थैंक यू आप मेहमान है एक मेरी। तुसी चाह पीनी? नहीं नहीं आप ही, अगर तुसी पीनी तो मैं टैंकी च पत्ती पा दूं। बदतमीजी है वो, अफ्रीका से आए हैं। ओए ये तो भाईजान के लिए। माफी। नहीं नहीं तुम पियो। चलो ठीक है, तुम्हारा हाथ लग गया इसको, तुम भी पियो। नहीं अंदर तो नहीं लगा, बाहर ही लगा है। बाहर लगे या अंदर एक ही बात है। नहीं चाय ठीक है भैया, आप हमारे भाई है, मोहब्बत है आपसे। प्लीज तुम्हारा कोई पता नहीं, मुझे पता है ना, कुछ मिला के दे दोगे। नहीं नहीं पी लो, तुम करो, केड़ा मिल दी। तुम आज मार खा कर ही जाओगे। खा के जाओगे मैं। अच्छा तो बात हो रही थी खवातीन के हकूक की, आप बात कर रहे थे। ये जुल्म होता है पाकिस्तान में, मैंने सुना है, इसलिए तो मैं आया हूँ। इस पे हम काम करेंगे। मैं तो कहना साहब से भी, सब तो पहले रैम्बो नु फड़ो, ओनू लम्या पाओ ताकि मेनू ठंड पै जाए, औरतों के हकूक मिलन भावे ना मिलन। हाथ धो गई है उनको, इतना तंग करके बिठाया हुआ मेहमान है, उन्हें आराम से रिलैक्स होके तो बैठने दे। अच्छा बताएं ना कि रैम्बो को कैसे ठीक किया जाए? देखो जी रैम्बो को ठीक करना बड़ा आसान है, अपनी माँ से कहना, उनसे बड़ा डरता है वो। सुना है मैंने, अब तो उनके भी काबू नहीं ना आता वो, अब तो जाहिर है बेटी पराई हो गई है, बेटी के घर जाहिर है बदले लेता होगा गिन गिन के। सुना है मैंने। आपकी अम्मी ने भी उसके साथ कुछ थोड़ी तो नहीं की थी ना? हमें पता चला वहां भी, हम आपकी शादी की वीडियो वो टीवी पे चली थी, हमने देखी थी। कहां? अफ्रीका के जंगलों में? अफ्रीका में भी। जी आप जंगलों में रहते थे? मैं अगर अफ्रीका तो होते ही जंगल हैं, मैं वहीं काम करता था। अच्छा हाँ, क्या काम करते थे? आपकी माँ ने भी बड़े जुल्म किए हैं उस पे, तो अब उसका हक बनता है थोड़े बहुत तो बदले ले ना। क्यों मेरी? सही बात है। नहीं वैसे जुल्म किया क्यों था? किन्होंने? वो कह रहे कि उनकी मदर ने बहुत ज्यादा जुल्म किया था। जुल्म क्या किया था, उन्होंने यही सोचा होगा कि किस चवल को मैं बेटी देने लगी हूँ। उनकी बात सही भी निकली उनकी वालिदा की। हाँ। अब वो भी महसूस करेंगे वो सही कहते। देखिए शिकायत लेकर आ गए तो बड़े सही कहते हैं जो भी कहते हैं। इस तरह तो अब आपको मसला ये होगा कि आपने की है पसंद की शादी। अगर आप ये शिकायत, शुक्र करें कि आप आगा साहब के पास शिकायत ले, अगर ये शिकायत आप ले जाती अपनी वालिदा के पास, वो तो कहती बेटा अपनी मर्जी की है, आप खुद ही भुगतो। अच्छा आप ये बताएं कि उनके पास पैसे हैं कि नहीं? पैसे होंगे तो मतलब मैं साथ रह रही हूँ ना, पैसे पैसे हैं, क्यों नहीं काम? अच्छा यानी कि बीवियां सिर्फ पैसों के लिए साथ रहती हैं? तो और क्या उन्होंने करना होता है? बीवी और अम्मी आज फर्क होता है बेटे। पाकिस्तान में जिस खावन के पास जब तक पैसे हैं तब तक बीवी रहती है, हर जगह ही हुई है, हर जगह। हाँ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह खावन के पास पैसे हो तो बीवियां अच्छे तरीके रहती तो है। अच्छा। लेकिन तो अच्छे तरीके से रहती। और वो खावन जिनके पास पैसे हो और खर्च ना करें फिर तो बहुत बुरी बात है। मैं रोज उन्हें कहती हूँ मुझे बाहर खाना खिलाएं। एक दिन कहते चलो बाहर खाना खिलाऊं, तो बाहर ना लॉन में खाना लगा दिया।
ऐसे कैसे कर सकता कोई? ये ऐसे मतलब चाचू वाली बात है ना, ये ज्यादती वाली बात है। मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ, इतनी प्यारी है, उन पे इतना जुल्म, हदू भी है। मैंने सुना उसका नाम अफजल खान है। हाँ जी, शेख को तो हो गया। चले इसका भी गड़ी साहिब, गड़ी साहिब मेहमान आए हुए हैं। गड़ी साहिब आएगा, मिठा चावल खाएगा। गड़ी साहिब आएगा, मिठा चावल खाएगा। हेलो गड़ी साहिब। गड़ी साहिब आएगा, मिठा चावल खाएगा। मेरा भतीजा आया। हेलो, हाउ आर यू? ओ, मैं दो दिन के लिए इस्लामाबाद क्या गया, तुम इधर ही बैठी हो? इधर मेरा घर है तो इधर ही होंगी ना मैं। आ, बच्चों को कौन देख रहा है? तुम पागल हो? जॉन, ये झूठ बोल रहा है, मेरे और इसके कोई बच्चे कौन नहीं है। ये पागल है। तुमने शादी कर ली है, तुमने मुझे बताया नहीं? नहीं जान, ये झूठ बोल रहे, मेरी इसकी कोई शादी नहीं हुई। तभी मैं कहूँ ये तुम्हारा खामन तो हो ही नहीं सकता। ओ, तुम मुझे छोड़ कर इसके चक्कर में पड़ गई हो? क्यों, क्या मतलब है? तेनू पता नहीं है, गैस हाउस का चूड़ा ही। वो जो चूड़ा है ना, वो उनका मियाँ है, वो आई बैठी, वो देखो। खबरदार, मेरे मियाँ को चूड़ा। एक जी है, वो तो कुदरती काम है ना। मुझे मिला था एक दफा, मुझे भी कह रहे थे शक्ल मिलती है। इनकी बेगम आई हुई है, वो देखो उधर। हाँ, किधर? अस्सलाम भाभी जी। आपका नाम भाभी साहिबा? साहिब है हूँ। आज आपकी शादी मिर्जे से होनी चाहिए थी, आपने रैम्बो से कर ली। और वो साहिबा मिर्जा साहिबा और थे। अच्छा, मैं था साई हूँ, मैनू दसी जाई यार। इट फड़ के अनारकली फिर मैं गए की कहना यार, मैं मकान बेचना, सैंपल लैके फिर और मैं तो 20 साल के बाद आया हूँ, मैं अभी अनारकली कहाँ चला गया? हा? मुझे वहाँ कहाँ ले गए हो? साईं तू वहाँ कहाँ आया? साईं तो मैं तुम यादगार ले जा। ये साईं है? साईं ये भी इस घर में रहता है? नहीं 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 नहीं। गदी साईं काउंसलर काउंसलर। हाँ, गदी निशान इंतखाबी गड्डी साईं। हाँ, काउंसलर। तो साइकिल साईं हो जाते तो फिर कब्रस्तान दे बाहर इन लोकी कुटन लाए। वो मैं कहा इनू को मारन लाया, कहना जी आ कब्रस्तान दे बाहर लेगा आया खुशामदीद।